आज यूपीएस अकड़ोली हापुड़ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती ने भारत माता और सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण साथ ही दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एस के गिरी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मंच संचालन मुकेश कुमार प्रधानाध्यापक ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार ने की। इस अवसर पर सभी पूर्व सैनिकों द्वारा विद्यालय में आजादी से संबंधित अपनी अपनी सेवा काल में हुए युद्धों के बारे में अपने अपने अनुभव से अवगत कराया। भारत की आजादी में योगदान करने वाले स्वतंत्रता सैनिकों और शहीदों के विषय में ज्ञान साझा किया। माननीय विधायक जी द्वारा सभी बच्चों को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने और भारत की आजादी में महान पुरुषों साथ ही शहीदों की याद में जानकारी दी। बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया, मन लगाकर पढ़ने का आह्वान किया और पढ़ लिख कर देश का अच्छा नागरिक बनने को कहा। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। डीबीटी के द्वारा जो अपनी प्राइमरी स्कूल है उन बच्चे के अभिभावक के खाते में योगी जी की सरकार ने 1200 रुपये देने का निर्णय लिया है, जिसमें कि ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी जो 1200 रुपये में आ गया वो हमारी सरकार काम कर रही है। तो अनेकों योजना जो सरकार काम कर रही है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, आप देखो कि पहले अब पीछे 5.5 साल पहले जाओगे तो स्कूलों में पंखे नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी, मेज नहीं होती थी, कुर्सियाँ नहीं होती थी बच्चे को बैठने के लिए। योगी जी की सरकार आई है तो आज देखो कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी अच्छा सरकारी स्कूल लग रहा है, हो रहा है, बहुत विकास कार्य काम हो रहे हैं। सर, जहाँ तक सर विकास कार्य की बात है, काली नदी में जो संगठन घाट है वो आज तक ऐसे ऐसे पड़ा हुआ, उसमें कुछ कार्य विकास नहीं किया जा रहा है। और ग्राम जो गांव सामने है घोराड़ा, जो अभी तक बस स्टैंड है वहाँ पे स्टैंड है, वहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, बरसात में तब पानी भर जाता है, वहाँ पर लोगों का निकलना बहुत बड़ा ही दुर्घटना, मैं कल मैं खुद देखा हूँ। आप अगर जो शमशान घाट की बात कर रहे हैं, वैसे तो समझ लीजिए काली नदी वाले की, आप वैसे समय नहीं है ये बातें करने का, विकास की बात करें। मैं आपको बतलाता हूँ, हमने 20 गांवों के अंदर शमशान घाट बनाने का काम किया। आप शहर में देखते हो कि आप चौराखी रोड पर चौराखी पर गए कभी कि कितने अच्छा शमशान घाट, आप चमड़ी में गए हो, आप नज्जापुरी के पीछे बसंटा उस वहाँ गए हो, आप शिवगढ़ी गए हो, आप चौधरी ताराचंद कॉलेज के पीछे गए हो क्या? चारों तरफ बहुत काम हो रहा है। अन्य कभी आपने कभी पहले देखा होगा, आप सोटा वाली कभी गए हो, क्यों ना अच्छे शमशान घाट बन गए हैं, वो सरकार ने हर शमशान घाट के लिए 45 लाख रुपए और गांव के